सिर्फ 4 दिन दूध में पकाकर खा लो, जॉइंट पेन और शरीर की कमजोरी हो जाएगी जड़ से खत्म। हड्डियां वज्र के समान मजबूत, कमजोर आंखों का इलाज, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, कफ और दिल की बीमारियों का इलाज, ब्लॉक नस भी खुल जाएगी और खून की कमी से मिलेगा छुटकारा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औषधि बनाकर दिखाएंगे जिसका प्रयोग यदि आप 4 दिन भी कर लेते हैं तो 4 दिन में दोस्तों आपके शरीर में इतना फायदा होगा कि आपके शरीर की जो थकावट वगैरह है, शरीर की कमजोरी है, खून की कमी है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आपका शरीर बनेगा हष्ट पुष्ट बलवान, फौलाद की तरह बन जाएगा आपका शरीर इस औषधि के सेवन से। दोस्तों चलिए आपको नुस्खा बनाकर दिखाते हैं, साथ साथ हम आपको इसके फायदे भी बताते चलेंगे। दोस्तों नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए चुहारे, 4 से 5 आप चुहारे लें। चुहारों को तो आपने देखा ही होगा, इस तरीके से चुहारे दिखते हैं, ये खजूर को सुखाकर बनते हैं। दोस्तों ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों चुहारा स्वाद में मीठा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है, ये हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। चुहारे में मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे अहम पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। चुहारे के आपको और भी ज्यादा फायदे मिलते हैं जब आप इसे दूध में उबालकर खाते हैं। दोस्तों आपने इस तरीके से चुहारे लेने हैं। अब आपने क्या करना है, इनको ना थोड़ा सा गैस पर हल्का सा सेक लेना है। क्या होता है, जैसे सर्दी में ये जम सी जाते हैं, काटना मुश्किल होता है इन्हें, इसलिए काटने के लिए थोड़ा सा इनको सेक लीजिए गैस पर इस तरीके से, किसी छलनी वगैरह में डालकर इसको सेक ले ताकि ये बिल्कुल नरम से पड़ जाए। ये दोस्तों बिल्कुल नरम हो गए हैं, सेक कर इनको ना काटना है, इस तरीके से काट ले ताकि जब हम इसको दूध में लेंगे तो ये टेस्टी भी बनेंगे और जल्दी से जल्दी हमारी औषधि तैयार हो जाएगी। दोस्तों चुहारे हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं, त्वचा स्वस्थ और जवान दिखने लगती है इसके सेवन से। इसमें अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है जो कि झुर्रियों की समस्या को कम कर देता है। ये हमारी स्किन के फ्री रेडिकल्स को कम करने में भी हमारी काफी हेल्प करता है। रूखे बालों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बालों की जड़ें मजबूत बना देता है, बालों की ड्राइनेस को सही कर देता है। दोस्तों ये एक एनर्जी बूस्टर है, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इससे भरपूर एनर्जी हमें मिल जाती है। जब हम थका थका सा फील करते हैं या हमें थकावट रहती है तब 4 दिन आप इसका सेवन करें। वैसे तो फर्क आपको एक ही बार पीने से लग जाएगा, आप अपने शरीर में ताकत महसूस करेंगे इस औषधि के सेवन से। दोस्तों मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। पेशाब की समस्या जिन लोगों को है उसको दूर करने के लिए आप चुहारों का सेवन कर सकते हैं। कब्ज इससे दूर हो जाती है, यानी कि पेट के रोग जैसे हैं, कोई भी हो वो दूर हो जाते हैं इससे। दांत इससे मजबूत बनते हैं, हड्डियां आपकी बिल्कुल वज्र के समान हो जाएंगी इसका सेवन करने से। शरीर को फौलाद की तरह ये बना देगा। सर्दी जुखाम आपको रहता है, नाक बंद रहता है, उसको भी ये बड़ी ही आसानी से खोल देगा। आपकी जो कफ जमा हो गई है नाक में, गले में, उसको भी ये निकाल देगा। सांस संबंधी रोग को ये ठीक कर देगा। दोस्तों जिन लोगों का वजन कम है, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तब आपने इसका सेवन करना है दूध में डालकर। भूख ना लगने की समस्या को भी ये ठीक कर देता है। और दोस्तों जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, जोड़ों के दर्द में काफी आराम देता है इसका सेवन। आपने दोस्तों चुहारे काट लेने हैं, अच्छे से काट लीजिए, इस तरीके से आप सारे चुहारे काट लें। 4 से 5 चुहारे आपने लेने हैं, इनको अच्छे से काट लेना है। अब दोस्तों दूसरी औषधि हमने लेनी है अखरोट। अखरोट में प्रोटीन होता है, वसा, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें कैल्शियम होता है, पोटाशियम, आयरन, कॉपर और ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करता है। अगर दोस्तों आप शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं तब आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। अखरोट आपके लिए कमाल की चीज है। यदि दोस्तों आप अखरोट का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे आपका मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ रहता है, हृदय संबंधी कोई बीमारी आपको नहीं लगती, याददाश्त को भी ये मजबूत कर देता है।
है। दोस्तों आपने 3 से 4 अखरोट की गिरी लेनी है इस तरीके से और इसको कूट लें अच्छे से ताकि ये दूध में जब डलेगा तो हमारा और भी स्ट्रॉन्ग नुस्खा बन जाएगा। दोस्तों अखरोट खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो कम हो जाता है। फाइबर इसमें भरपूर होता है जो कि पाचन क्रिया को मजबूत करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। दोस्तों इसमें पाया जाने वाला अल्फा लिनोलिक एसिड हड्डियों को मजबूत कर देता है, हड्डियों को वज्र के समान बना देता है। जब हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं तो जोड़ों का दर्द भी इससे खत्म हो जाता है। दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके हार्ट के लिए काफी फायदेमंद है, हार्ट को मजबूत बना देता है, हार्ट की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आती। इसे खाने से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम किया जा सकता है। नींद अच्छी आती है जब आप अखरोट का सेवन करते हैं। आंखों की कमजोरी इससे दूर हो जाती है दोस्तों यदि आप इसका सेवन करते हैं। दिमाग तेज हो जाता है, ब्लॉक नसें हमारी खुल जाती हैं जब हम अखरोट और चुहारे का दोनों का एक साथ सेवन करेंगे। खून की कमी इससे दूर हो जाती है। खून की कमी को दूर करने में चुहारे की भी अहम भूमिका होती है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल को ये लेवल पर ला देता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर देता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में जमा होता है तो उसको निकाल देता है। पेट के रोग ठीक हो जाते हैं इससे। कफ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण औषधि है। दोस्तों शरीर की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है इसके सेवन से। अब दोस्तों आपने अखरोट भी ले लिए, इसको कूट भी लिया, अब आपने क्या करना है, इन दोनों औषधियों को 1 गिलास दूध में पकाना है। आप 1 गिलास भी ले सकते हैं 1 व्यक्ति के लिए या फिर 2 गिलास ले सकते हैं 2 व्यक्ति के लिए, वो जैसी इच्छा हो आपकी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपने दोस्तों इनको अच्छे से पकाना है, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे आपको पकाने में। जब ये पक जाएगा तो हमारी औषधि तैयार हो जाएगी बनकर। अब दोस्तों ये हमने 10 से 15 मिनट इसको पकाया और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। जितना अच्छा दोस्तों ये दिख रहा है उतनी ही टेस्टी ये औषधि है। दोस्तों आपने इसमें मीठा नहीं डालना क्योंकि चुहारे पहले ही मीठे होते हैं, तो और ज्यादा मीठा ना डालें इसमें। और दोस्तों जब शुगर के मरीज इसको यूज करेंगे, यानी शुगर के मरीज अगर इसको लेना चाहते हैं तो वो चुहारे ना डालें। चुहारे की संख्या कम कर सकते हैं आप, आधा चुहारा या 1 चुहारा डाल सकते हैं। ज्यादा चुहारे शुगर को बढ़ा देते हैं तो वो नुकसान करेंगे, तो शुगर के मरीज 1 चुहारा डाल सकते हैं और अखरोट डाल सकते हैं आप अच्छे से। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस दूध को पकाना है। आप टेस्ट के लिए इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये औषधि आपकी इतनी पावरफुल बनेगी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, दिल से संबंधित रोग है, शारीरिक कमजोरी है या सांस से संबंधित रोग है, वो सब इससे ठीक हो जाएगा। आपको जो बलगम वगैरह नाक या गले में जम रही है वो भी इससे निकल जाएगी। 4 दिन के सेवन से आपका शरीर फौलादी बन जाएगा, आपकी आईसाइट ठीक होने लगेगी क्योंकि आंखों के लिए ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों अगर मैं ये बात कहूँ कि रातों रात ये सिर से लेकर पैर तक सभी बीमारियों को चाट जाएगी तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि इस औषधि में ऐसे गुण हैं जो रातों रात आपकी अनेक बीमारियों को हर लेगी। दोस्तों अखरोट और चुहारा दोनों के अलग अलग भी कितने सारे बेनिफिट हैं, और जब दोनों एक साथ मिलकर हम दूध में पका लेंगे तो आप खुद ब खुद जान सकते हैं कि इससे कितने फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों आप भी आज से ही अपने घर में इस औषधि को बनाएं और इसका सेवन करें। बच्चों को भी आप इसका सेवन करा सकते हैं, बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, उनका दिमाग तेज रहेगा, शरीर मजबूत बनेगा, बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी, इसलिए बच्चों को भी इसका सेवन जरूर कराएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।